हाई कमिंग अप टू सेकंड पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी विल भी डिस्कसिंग द टूल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट द फर्स्ट वन कम्स अप टू भी वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में एक हम बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसमें हमें टाइम की रिक्वायरमेंट और उसमें लगने वाला मटीरियल भी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा एज फॉर एन एक्जाम्पल वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर अब कंप्यूटर में कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं आई दर इट इज़ अ इंटेल ए एम डी आई सेवन आई फाइव हम कौन सा मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं अदर इट इज़ अ मिलेनियम मदरबोर्ड और एनियल्स हार्ड डिस्क की कैपेसिटी एक टी बी दो टी बी रैम दो जी बी चार जी बी या सी पी यू का मॉडल अब सारी चीज़ें सेलेक्ट होने के बाद हम उस सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करते हैं आइदर वाया केबल बस और हम पूरे के पूरे कंप्यूटर को असेंबल करते हैं पावर यूनिट्स में जैसे सीपीयू को मॉनिटर से जोड़ना और कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्पीकर्स को आपस में जोड़ना जब हमारे पास सारा हार्डवेयर इंस्टॉल हो चुका है उसके बाद हम जाते हैं सॉफ्टवेयर पे अब सॉफ़्टवेयर हम इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम या तो फिर विंडोज़ उबंटू या लाइन इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बाद हम ड्राइवर्स डालते हैं ताकि ऑडियो ड्राइवर वीडियो ड्राइवर्स एंड एनीथिंग एल्स उसके बाद हम वर्केबल सॉफ्टवेयर डालते हैं एम ऑफिस वी या कोई भी जो हमें चाहिए इन सारी चीज़ों के होने के बाद हम उसे टेस्ट फाइनली टेस्ट करते हैं कि ये वर्केबल है या नहीं और हमारे लिए बेचने के लिए सही है या नहीं ये होता है हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जिसमें हम पार्ट बाय पार्ट सारे कामों को करते हैं इसी सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक साथ करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है सबसे पहली टेक्निक होती है एक बार चार्ट बार चार्ट्स आर ऑल्सो नोन एज गैन चार्ट इस चार्ट में सिंपली एक्टिविटी और टाइम ड्यूरेशन को आपस में डिवाइड किया जाता है और एक्टिविटीज़ को ए बी सी के तौर पे जोड़ा जाता है जैसे कि सेलेक्टिंग ऑफ अ प्रोसेसर इज़ अ एक्टिविटी कनेक्शन ऑफ़ केबल्स इज़ अ एक्टिविटी इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अदर एक्टिविटी ऐसे ही ए बी सी एक्टिविटीज़ हैं इसमें लेंथ ऑफ द बार इज़ ड्यूरेशन को डिफाइन करता है स्टार्टिंग ऑफ द बार स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी एंड ऑफ बार एंड ऑफ एक्टिविटी को विर्थ ऑफ द बार कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है और इसमें कोई भी रिलेशनशिप डिपेंड नहीं होता है कि ए के बाद सी आ रहा है कि ए के बाद बी आ रहा है अब अगला हमारे पास आता है माइलस्टोन चार्ट माइलस्टोन चार्ट में हम छोटे छोटे एरोज दिखा देते हैं एक बड़े बार के ऊपर बड़ा बार एक्टिविटी सिग्निफाई करता है वहाँ भी वहीं पर छोटे एरोज सब एक्टिविटी सिग्निफाई करते हैं कमिंग अप टू लिंक बार चार्ट लिंक बार चार्ट में हम एक्टिविटीज़ की रिलेशनशिप को भी दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन्स के थ्रू इसमें टाइम बहुत ही अनसर्टेन होता है हम किसी भी पीरियडिक स्टेज में कोई भी चीज़ रिकैलकुलेट नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं रिसोर्स बार चार्ट और हिस्टोग्राम की रिसोर्स बार चार्ट और हिस्टोग्राम हम जनरली एग्जॉक्शन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं रिसोर्सेज कितनी जल्दी खत्म हो रही हैं जैसे हमारे सीमेंट बैग्स कितने ख़त्म हो गए हैं हमारा प्रोसेसर कितना ख़त्म हो गया है अब सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जाम्पल चार्ट का बार चार्ट रिप्रेजेंट किया जा जाता है कैटेगोरिकल डाटा के लिए जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि मैं अर्थ मूवर्स को कितनी सैलरी देता हूँ मैसंस को कितनी सैलरी और स्टील बाइंडर्स को कितनी सैलरी तो ये एक बार चार्ट हो गया ऑफ द लेबर टाइप एंड देयर सैलरी वहीं पे हम बात करें हिस्टोग्राम की तो हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है कॉन्टीन्यूस डाटा का जैसे किसी ओवर में इंडिया कर, इंडियन क्रिकेट टीम ने कितने रन बनाए तो पहले ओवर में दस रन दूसरे ओवर में बीस रन तीसरे ओवर में तीस रन चौथे ओवर में पच्चीस रन इस तरीके से हिस्टोग्राम चार्ट होता है जो कॉन्टीन्यूस रिप्रेजेंटेशन करता है सारे बार चार्ट के ख़त्म होने के बाद हम आते हैं नेटवर्क डाइग्राम में जो रिसेंटली यूज़ किया जाता है सारी के सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में ये इंप्रूवमेंट है माइलस्टोन चार्ट के ऊपर इट इज़ लाइक अ फ्लो चार्ट अब इसमें स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी में ए है बी और सी इंटरमीडिएट एक्टिविटी है डी ई एफ बी इंटरमीडिएट जी इज एन इंटरमीडिएट एक्टिविटी एंड एच इज द एंड एक्टिविटी इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप इज ऑलवेज मैनेजड नेटवर्क डायग्राम जनरली दो चीज़ों से बना होता है एक एक्टिविटी और एक इवेंट एक्टिविटी एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क है जिसमें टाइम और रिसोर्सेज दोनों लगते हैं एक फॉर एग्जाम्पल हम एक्सक्रवेशन कर रहे हैं तो मिट्टियाँ निकाल रहे हैं टाइम भी लग रहा है और लेबर भी लग रहे हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें टाइम भी लग रहा है और फाइल्स भी कॉपी हो रही हैं अब इवेंट की बात करें तो इवेंट हमारा एक एक्टिविटी की स्टार्टिंग है या एक्टिविटी का एंड है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक्सक्रेवेशन से पहले लैंड सिंपल है और एक्सक्रवेशन के बाद में लैंड में एक पिट है तो लैंड सिंपल इज एक इवेंट है और लैंड में पिट दूसरा इवेंट है इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी टाइम और रिसोर्सेज अब हम आते हैं दो टाइप के नेटवर्क डायग्राम्स के ऊपर सबसे पहला नेटवर्क डायग्राम है एक्टिविटी ऑन एरो जिसे ए ओ ए कहते हैं और एक्टिविटी ऑन नोड दैट इज़ नोन एज एन एक्टिविटी ऑन एरो में नोड्स रिप्रेजेंट इवेंट और टाइम की रिप्रेजेंटेशन हमेशा एरो के ऊपर होती है लेंथ ऑफ तो द एरो डजेंट मैटर और ये ज़्यादातर सी पी एम और पर्ट दोनों में यूज़ किया जाता है वहीं पर अगर मैं एक्टिविटी ऑन नोड की बात करूँ तो एक्टिविटी सर्किल के ऊपर दिखाई जाती है और इसमें टाइम के लिए कोई भी जगह नहीं होती ये जनरली CPM में यूज किया जाता है क्योंकि उसमें repetitive construction projects होते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट इट इज यूज फॉर रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स एंड टाइम एस्टिमेट इज ऑलरेडी नोन फॉर दीज पार्ट अब पर्ट की मैं बात करूं तो पर्ट होता है हमारा प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक इसमें नए नए रिसर्च के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं और इसे कांस्टेंट अटेंशन की जरूरत होती है इसमें तीन टाइप के टाइम एस्टिमेट्स होते हैं पहला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम दूसरा होता है पैसमिस्टिक टाइम और तीसरा होता है मोस्ट लाइकली टाइम प्रोग्राम रिवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स में हम जनरली एक टाइम एस्टिमेट निकालते हैं जिसे हम टी से रिप्रेजेंट किया जाता है टी इज इक्वल्स टू टी नॉट प्लस फोर टाइम्स ऑफ टी एल प्लस टी पी अपॉन सिक्स वहीं पर टी इज एस्टिमेटेड टाइम टी नॉट इज़ ऑप्टिमिस्टिक टाइम टी एल इज मोस्ट लाइकली टाइम एंड टीपीज पैसा टाइम यही टाइम एस्टिमेट पर्ट यूज करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जिसे हम सिग्मा इजी कॉस्टी माइनस टी नॉट अपॉन सिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं सीपीएम नेटवर्क जो होता है वो हमें एक गशन कर्व देता है जिसमें स्टैंडर्डियशन नेग्लेजिबल होता है थैंक यू गाइज दिस इज ऑल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर मोर ऑफ द क्यूरीज कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑफ द वीडियोज